आज बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसे फ्रेंच फ्राइज जो ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट, कुछ खास टिप्स के साथ। चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इन्हें बनाने के लिए बड़े साइज के नए आलू लेंगे। इन पर मिट्टी लगी होती है तो इन्हें पानी से अच्छे से वॉश करेंगे और अब देखिए इस तरीके से रब करेंगे तो इनका छिलका आसानी से उतर जाएगा और ये अंदर से व्हाइट होंगे। जितने ज्यादा व्हाइट होते हैं आलू फ्रेंच फ्राइज उतने ही क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे। तो ध्यान रखें आलू अंदर से पीले ना हो। अब इनका छिलका हटा लेंगे और गैस पर हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम 2 छोटे चम्मच नमक डाल देंगे। अब फ्रेंच फ्राइज कट कर लेते हैं। आलू का जो गोल पार्ट है उसे चारों साइड से कट कर लेंगे और अब हम आधा आधा इंच की फ्रेंच फ्राइज कट कर लेंगे। फ्राई होने के बाद ये श्रिंक हो जाते हैं तो थोड़ा सा मोटा ही कट करें। ये देखिए जैसे ही फ्रेंच फ्राइज कट होते हैं उन्हें तुरंत ही पानी में डिप करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इन्हें पानी में ही रहने देंगे जिससे इनमें जो भी स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। अब ये देखिए पानी काफ़ी वाइट है तो 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है इन्हें। पानी एकदम क्लियर हो चुका है तो इतना अच्छे से हमें इन्हें वॉश करना है। अब चलते हैं गैस की तरफ और आलू को ब्लांच कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पानी बिल्कुल थोड़ा सा गर्म है। इस गर्म पानी में आलू डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इन्हें ही बॉयल होने देते हैं। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पर कर देंगे। आलू को हमें यहाँ पर 50% तक कुक करना है। ये देखिए एक पीस निकालते हैं और इसमें फोक डालकर चेक कर लेते हैं। फोक आसानी से जा रहा है फ्रेंच फ्राइज में, यानी ये 50% कुक हो चुके हैं। इससे ज़्यादा इन्हें ना पकाएं वरना फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी नहीं बनेंगे। 50% कुक होने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें स्ट्रेनर में निकालेंगे। तो आप चाहें तो आलू को ठंडे पानी में तुरंत ही डाल दें, नहीं तो इस तरीके से कॉटन क्लॉथ पर फ्रेंच फ्राइज को फैला कर रखें जिससे ये जल्दी से ठंडे हो जाए और इनकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब फैन के नीचे 25 से 30 मिनट के लिए आलू को अच्छे से ड्राई होने देंगे और ठंडा होने देंगे। तरीके से इन्हें अलग अलग करके फैला कर रखना है और 30 मिनट के बाद आलू अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे और इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छा गर्म कर लिया है। अब मीडियम फ्लेम पर फ्रेंच फ्राइज को हाफ फ्राई करेंगे। अभी आधे फ्रेंच फ्राइज डाले हैं, इन्हें फैला देंगे थोड़ा सा और मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई होने देते हैं। और ये देखिए अब ये हाफ फ्राई हो चुके हैं तो इन फ्रेंच फ्राइज को तुरंत ही किसी ट्रे में निकाल कर रखेंगे और इन्हें ठंडा करने के बाद आप चाहें तो 6 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ट्रे में फैला कर रखेंगे फ्रेंच फ्राइज को और ठंडा होने के बाद आप इन्हें जिपलॉक पाउच में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं 6 महीने के लिए। तो मैंने सभी फ्रेंच फ्राइज को हाफ फ्राई कर लिया है और अब हम इन्हें 1 से 1.5 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखेंगे। आप चाहें तो इन्हें फैन के नीचे भी ठंडा कर सकते हैं। फ्रीजर में रखने से इनका अंदर का स्टार्च फिर से सेट हो जाएगा और जब हम इन्हें फिर से फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे। लगभग 2 घंटे के लिए मैंने इन्हें फ्रीजर में रखा। अब हम फ्रेंच फ्राइज को फिर से फ्राई करेंगे। ऑयल को अच्छा तेज गर्म कर लिया है, फ्लेम को हाई पर ही रखेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर लेते हैं। तरीके से फ्लिप करते हुए ऊपर से क्रिस्पी होने देंगे और ये देखिए इनमें बहुत अच्छा कलर आ चुका है। ये ऊपर से क्रिस्पी हो गए हैं और आप देख सकते हैं इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे मार्केट में मिलते हैं ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, वैसे ही फ्रेंच फ्राइज बन करके तैयार हुए हैं। एक बार आप इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज बनाकर देखिएगा आप मार्केट वाले बिल्कुल भूल जाएंगे। तो अब बाकी के बचे हुए फ्रेंच फ्राइज को भी फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हाई पर रखेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए फ्लिप करते हुए इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट में ये देखिए साइड से गोल्डन कलर के होने लगे हैं और ये ऊपर से भी क्रिस्पी हो गई है। ये सुनिए इनकी आवाज़ कितने क्रिस्पी हैं। गरम गरम फ्रेंच फ्राइज पर नमक डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है फ्रेंच फ्राइज बनाना। ना कुछ खास टिप्स के साथ फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे तो बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। एक बार आप बनाकर देखिए, आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।